माँ शाकुम्भरी देवी झंडा सेवा समिति के तत्वाधान में छावनी बाजार स्थित मंदिर में गुरुवार को शाकुम्भरी माता के झंडे को नए वस्त्र पहनाकर पुनः मूल स्थान पर स्थापित किया गया। इस दौरान पूरा छावनी बाजार माता के जयकारों से गूंज उठा। छावनी बाजार स्थित माता शाकुम्भरी देवी के स्थान पर शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि को हर वर्ष झंडा चढ़ाया जाता है। इस वर्ष भी गुरुवार सुबह माता के झंडे को उतार उनके पुराने वस्त्र उतारे गए। वो शाम को आचार्य विद्याधर जोशी व पंडित राम पाठक ने मंत्रोच्चारण करते हुए दूध दही घी शहद गंगाजल आदि पंच द्रव्यों से माता रानी के झंडे को श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक स्थान कराया गया, जिसके बाद माता के झंडे को नए वस्त्र धारण करा उनको मूल स्थान पर स्थापित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। झंडारोहण के दौरान पूरा माहौल माता रानी के जयकारों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में कई लोगों ने मंदिर में माथा टेक मान्यता मांगी। उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद माता रानी की अखंड ज्योति आलोकित की गई और रात्रि के समय विक्की चंचल जागरण पार्टी टेलीविजन का कलाकार यमुनानगर द्वारा माता का गुणगान किया गया और अनेकों माता रानी की भेंटें गाई गई। इसके बाद माता रानी व भगवान की बहुत सी झांकियां प्रस्तुत की गई। राता बाजार में माँ शाकुम्भरी देवी का मंदिर है और पिछले 37 वर्ष से लगातार यहाँ पर जागरण होता है और माता का झंडा चढ़ाया जाता है। शाम को अभी 4 बजे पूजा अर्चना के बाद माता के झंडे को पंच द्रव्यों से स्नान कराकर उनको नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। उसके बाद झंडा को उनके मूल स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इस वर्ष भी माता का जागरण होने जा रहा है और अभी 5 बजे यहाँ पर माता का झंडा वस्त्र पहनाए जाएंगे, जो कि 37वां हमारा ये कार्यक्रम है और सभी लोग यहाँ के बड़े ही उससे माता को मानते हैं और रात को यहाँ पे जागरण होता है।